पोलो एक ऐसी कार थी जो जानी जाती थी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपने इंजन को लेकर, अपने हैंडलिंग को लेकर, अपनी सेफ्टी को लेकर, अपने लुक्स को लेकर और अपनी स्टेबिलिटी को लेकर। पोलो एक ऐसी कार थी जिसको लेने के लिए हर यूथ का मन करता था और ये एक ड्रीम कार भी हुआ करती थी। कई लोगों ने इसको लेकर अपना ड्रीम पूरा कर लिया और कुछ लोग अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि वोल्क्सवैगन पोलो को इंडिया में 2022 में डिस्काउंट न्यू कर देती है, जिस कारण कई लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अब वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में एक गाड़ी ऐसी आ रही है जो लगभग आपको पोलो जैसी फील देगी, और ये गाड़ी और कोई नहीं, टाटा ला रहा है। टाटा अपनी अल्ट्रोज का एक रेसर एडिशन इंडिया में जल्द लॉन्च करने वाला है और टाटा ने इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी। आज हम इसी गाड़ी के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे। आज हम बताएंगे इसमें नॉर्मल टाटा अल्ट्रोज से क्या क्या चीज़ डिफरेंट मिलने वाली है। उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और लास्ट में हमें बताना क्या ये पोलो का एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अंकित खंडेलवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी प्यारी प्यारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और मेरा इस वीडियो में टारगेट है 100 लाइक्स का, तो वो भी आप कंप्लीट करवा देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मुझे भरोसा है आप कर दोगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, इसके डायमेंशंस में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, जैसी करंट अल्ट्रोज आती है वैसे ही ये दिखाई देगी। लेकिन इसके ऊपर आपको ग्राफिक डिजाइन जरूर मिलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं, इसमें आपको बॉनेट पूरा ब्लैक कलर का मिलता है, इसके ऊपर आपको दो व्हाइट कलर की स्ट्रिप दिखाई दिए जाएंगे एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको इसमें यहाँ दिख जाएंगे। साइड में आपको रेसर की बैजिंग दिख जाएगी जो कि दोनों फेंडर पे लगी है, ऑल ब्लैक आपको एलॉय देखने को मिलेंगे। वहीं मैं इसके रूफ की बात करूं तो ऊपर भी आपको ब्लैक कलर की रूफ देखने को मिलेगी और उस पर भी आपको दो व्हाइट कलर की स्ट्रिप देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ स्मोक कलर की आपको टेल लाइट्स देखने को मिलेगी। अंदर की तरफ आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। न्यू 26.03 की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो करंट अल्ट्रोज से बिल्कुल डिफरेंट है। कई जगह आपको बॉडी कलर का ट्रीटमेंट मिल जाएगा, जैसे कि एसी वेंट्स पर, सेंटर कंसोल पर और सीट्स पर भी। इसमें आपको बिल्कुल न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। स्टिचिंग भी आपको बॉडी कलर से मैच होते हुए दिखाई दे जाएगी। इसमें आपको एकदम न्यू इंजन मिलने वाला है। ये टाटा का कोई न्यू इंजन नहीं है, बस इस कार के लिए एक न्यू इंजन होगा। इसमें आपको अब 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 120 BHP की पावर आउटपुट निकालेगा और 170 का टॉर्क निकाल कर देगा, जो कि इस छोटी सी गाड़ी के लिए काफी कमाल की आउटपुट होगी। लेकिन गियरबॉक्स 6 स्पीड का मैनुअल एंड एक जो इनका DCA गियरबॉक्स आता है, ये दोनों ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल सकते हैं। फीचर्स, इसमें आपको अल्ट्रोज के सारे ही फीचर्स मिलेंगे, बट एडिशनल क्या मिलेगा उसकी बात हम यहाँ कर लेते हैं। बिल्कुल न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलेगा, न्यू डिजिटल स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा, एयर प्यूरिफायर वेंटिलेटेड सीट इसमें आपको मिलेगा, वॉइस कमांड सनरूफ मिलेगी, वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, HU डिस्प्ले आपको इसमें अब देखने को मिलेगी। कुछ सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूं तो आपको इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP एंड ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल सकते हैं। और आप जानते ही हो, इसको GNC ऐप में 5 स्टार मिले हुए हैं। 360 डिग्री कैमरा भी आपको इसमें मिल जाएगा। अभी जो अल्ट्रोज आती है उसका स्टार्टिंग प्राइस 6.65 लाख रुपीज़ है, और मेरे अकॉर्डिंग जो इसका स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है, अगर ये कई वेरिएंट के साथ आएगी तो इसका स्टार्टिंग प्राइस 8.5 लाख से लेकर 9 लाख के बीच हो सकता है। एंड टॉप मॉडल का प्राइस लगभग आपका 12 लाख से लेकर 12.5 के बीच रह सकता है। वही अगर सिंगल वेरिएंट के साथ आती तो यही टॉप एंड मॉडल का जो मैंने प्राइस बताया वो हो सकता, और शायद जून 2024 में इसको लॉन्च कर सकती है क्योंकि टाटा ने इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है, तो जल्द ही लॉन्च भी हो जाएगी। अब बात आती है किन लोगों को ये कार खरीदनी चाहिए। देखो भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, आप अपनी रिक्वायरमेंट देखो, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। लेकिन मैं जो इसके कंपटीशन में गाड़ी आती है उनसे ये क्यों बेहतर है, और ऐसा क्या है जो इस गाड़ी में कि उनसे उन मामलों में ये गाड़ी उनसे पीछे रह जाती है। पहले मैं बता दूं, इसका कॉम्पिटिशन मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और ह्यूंडाई i20N लाइन से है। और पहले मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। ये सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी होने वाली है, तो आपको पावरफुल चाहिए तो बिल्कुल आपके लिए है ये, अगर आपको सेफ्टी को लेकर बहुत कंसर्न है। तो आप जानते हो ग्लोबल एंड कैप में ये 5 स्टार ये ला रखी है। इसकी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी कंपटीशन की दूसरी कारों से बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और लुक्स में भी कहीं ना कहीं उनको अच्छी टक्कर देती है।
बाकी लुक्स किसी को पसंद आता है किसी को नहीं। अब जो नेगेटिव है वो है इसके इंजन के वाइब्रेशन। जो स्मूथ इंजन आपको फ्रॉन्क सैंड एंड लाइन में मिलेगा वो थोड़ा सा ये मिस करता है। बाकी फिट एंड फिनिश में भी ये पीछे रह जाती है। बाकी मारुति फ्रॉन्क्स भी इस जैसी है बट एन लाइन इन सब में बेहतर है। बस जो इस कार के बारे में सारी बात थी वो मैंने बता दी। बाकी आप देखो लेनी है या नहीं। बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। लास्ट में यही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।